अलग अलग मौसम में जो हेयर फॉल होता है उसको सीजनल हेयर फॉल बोला जाता है। मतलब किसी को समर में हेयर फॉल होता है, किसी को सर्दी में होता है, किसी को विंटर में होता है, या फिर किसी को बारिश के सीजन में मतलब रेनी डेज मॉनसून में हेयर फॉल होता है। तो मुझे पर्सनली मॉनसून के सीजन में, बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। ये जो लास्ट वाला मॉनसून का सीजन गुजरा है उसमें मुझे पर्सनली तगड़ा हेयर फॉल का सामना करना पड़ा। सीजनल हेयर फॉल सब में अलग अलग होता है। कुछ लोगों को मॉनसून में हेयर फॉल ज्यादा होता है, कुछ लोगों को बारिश के सीजन में, कुछ लोगों को समर में ज्यादा होता है। तो आपके केस में कौन सा सीजन आपके लिए हेयर फॉल कर सकता है ये मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं बोल सकता, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। पर डे कितना हेयर फॉल नॉर्मल है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक आउट। और ये वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला था कि मेडिसिन में इतनी ताकत नहीं है कि हेयर ग्रोथ साइकिल को बंद कर दे, इसीलिए हेयर फॉल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसी तरीके से मेडिसिन सीजनल हेयर फॉल को भी बंद नहीं कर सकता। मेडिसिन में इतनी ताकत नहीं है कि सीजनल हेयर फॉल को बंद कर दे। मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ DHT के वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है उसको बंद कर सकता है, क्योंकि मैं खुद मेडिसिन ले रहा था तब भी मेरा हेयर फॉल हो रहा था मॉनसून के सीजन में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मॉनसून के सीजन में जो हेयर फॉल होता है क्या वापस आएगा? जी हाँ, वापस आएगा, क्योंकि ये जो बाल आपका गिर रहा है, बालों का जो जड़ है या हेयर रूट है वो डैमेज नहीं हुआ है, हेयर रूट अभी भी जिंदा है। सिर्फ और सिर्फ DHT के वजह से जो हेयर फॉल होता है उसमें आपका हेयर रूट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन सीजनल हेयर फॉल में DHT का कोई रोल नहीं है, ये एक तरीके का टेम्पररी हेयर फॉल है। तो सीजन खत्म होने के बाद अच्छे तरीके से बालों का हेयर का केयर करोगे तो अपने आप वो बाल 100% वापस आ जाएगा। और जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल इंसान है फिर भी किसी पर्टिकुलर सीजन में हेयर फॉल हो रहा है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना केयर करिए, खाना पीना टाइम से करिए, टाइम पर सो जाइए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपके बाल अपने आप वापस रिग्रोथ हो जाए, क्योंकि हेयर रूट अभी भी जिंदा है। और जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसी तरीके से मेडिसिन को कंटिन्यू करिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए, आपका भी बाल अपने आप सीजन खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीजन में रिग्रोथ हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।